अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एक बाइक है, इसका मीटर जो है ये टूट गया है। तो कभी कभार आपके पास भी कोई ऐसी बाइक आ जाए जिसका मीटर टूट जाता है लेकिन उसकी मशीन सही हो, तो बिल्कुल कम खर्चे में आप उसे बिल्कुल न्यू बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये बाइक है, इसका मीटर जो है इसकी टूट चुकी है लेकिन मशीन जो है इसकी बिल्कुल ठीक है। तो इसको अगर हम हिला के देखते हैं तो इसकी बेस जो है ये भी टूटी हुई है दोनों। यहाँ से इसकी केबल उतार के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसकी जो बेस है ये बिल्कुल टूटी हुई है, ये दोनों इसकी बेसें टूट चुकी हैं। लेकिन मशीन को चेक कर लेते हैं तो मशीन जो है इसकी मैं बल्कि बाहर इसको निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल के आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये मीटर लीड हमने निकाल देनी है, इग्निशन स्विच का पेच खोल के इसे भी बाहर निकाल देंगे। स्विच जो है इसका बाहर निकल चुका है, अभी इसकी कंडीशन चेक कर लें। इसमें पहले से पट्टियां भी की हुई हैं यानी टेप लगाई हुई है। तो बहरहाल हम इसे खोलते हैं, टेप वगैरह उतार के इसकी मशीन को बाहर निकाल के आपको चेक करवा देते हैं। इसकी मशीन सही है तो इसमें हम मीटर बॉडी नहीं डाल के इसको बिल्कुल न्यू बना देंगे। तीनों पेज हमने खोल लेना, ये तीन पेज लगे होते हैं यहाँ पे, एक दो तीन। तो मीटर केस जो है हमारा अलग-अलग हो जाएगा मीटर बॉडी से। कभी कभार बाइक गिर जाती है, गिरने की वजह से इस तरह का मामला हो जाता है। तो आपको मीटर मुकम्मल नया तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिल्कुल कम खर्चे में जो है बेहतरीन मीटर दोबारा से बन जाएगा। तो ये देखिए इसकी बेस वगैरह भी ये टूटी हुई है इस तरह की यहाँ से, और इसकी अंदरूनी हालत भी बिल्कुल ख़राब है। तो ये दो यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, ये खोलें मशीन के। ये खुल चुके हैं तो मशीन दोस्तों बाहर आ चुकी है, मशीन की हालत बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है। जेन्युइन मीटर है तो ये मशीन जो है हम जेन्युइन ही रखेंगे और सिर्फ इसका मीटर केस तब्दील करके हम इसकी जो है इसको रीस्टोर कर लेंगे दोबारा से, और मीटर हमारा यही जो है वो नया बन जाएगा। तो ये तीनों पेज यहाँ से मिल गए हैं और ये हम पुरानी बॉडी जो है ये एक साइड पे कर देते हैं। तो मशीन को जो है हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, किसी साफ़ कपड़े से, नरम कपड़े से। नंबरिंग वगैरह भी इसकी साफ़ कर दें, एहतियात से करना है आपने कि ये सुई जो है इसकी टूट ना जाए। ये देखें अगर हम इसे सुई को घुमाते हैं तो बिल्कुल आराम से जा रही है, इसका मतलब है कि मीटर मशीन हमारी बिल्कुल ठीक है। तो अच्छी तरह से इसकी सफाई कर लेनी है, सफाई करने के बाद इसमें हमने मीटर केस नया डालना है। तो मीटर केस हम इसमें कौन सा डाल रहे हैं ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। क्वालिटी में बहुत अच्छा है, ये देखें फिट का क्राउन लिफान का हमने ये मीटर केस इसमें नया डालना है। अलग से मुकम्मल मीटर भी मिल जाता है, मीटर केस भी मिल जाता है। तो CD70 वाला ये मीटर केस जो है चाइना बाइक में बिल्कुल आसानी से फिट हो जाएगा। तो इसकी क्वालिटी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, क्वालिटी में बड़ा ही बेहतरीन है, बिल्कुल ओरिजिनल मीटर आपका बन जाएगा इस तरह से ये पैकिंग में से निकलेगा। तो ये देखें स्टैम्प भी पीछे लगी होगी CRLF। क्वालिटी जो है इसकी बड़ी मजबूत है, बड़ा बेहतरीन जो है ये केस बना होता है। और ये देखें इनर भी इसका बड़ा अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, टूटने वाला नहीं है, और बॉडी भी इसकी जो है बिल्कुल ठीक है। तो ये 250 रुपए में आप अपना मीटर जो है बिल्कुल नया बना लेंगे, बिल्कुल आसान है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मशीन लगा देनी है, इसमें मीटर जो है बिल्कुल नया बन जाएगा। दोनों पेज हम लगा देंगे यहाँ पर। दोस्तों ये क्राउन के पार्ट्स का इसलिए हम कहते हैं कि इनकी फ़िटिंग आसान होती है, रेट मुनासिब होते हैं और किसी किस्म की यहाँ पे आपको दुश्वारी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप जो है ये देखें अभी ऊपर का केस भी लगा देते हैं, ये देखें बिल्कुल बेहतरीन नया मीटर बन गया है, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है और कोई दुश्वारी नहीं है। शेप भी इसकी बड़ी अच्छी है और रेट भी बड़ा मुनासिब है। तो तीनों पेज जो हमने पुराने मीटर से लिए थे वो हम इसमें लगा के चेक कर लेते हैं।
बल्कि टाइट कर देते हैं, लगा के चेक नहीं करने, लगा के टाइट कर देने हैं। ये खाली बॉक्स हम एक साइड रख देते हैं। पेज हमारे तीनों यहाँ पे फिट हो चुके हैं, यहाँ पे बॉडी की फिटिंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो मीटर हमारा यहाँ बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो मीटर कंप्लीट हो गया, अभी इसे बॉडी बाइक में लगा के इग्निशन स्विच वगैरह इसका लगाते हैं। अच्छी तरह से यहाँ पे हम इसकी पट्टी को साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद इसकी ये जो इंडिकेटर की जो लाइटें हैं ये लगा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ इशारे के लिए है और ये लाइट के लिए, न्यूट्रल वाली इसके साथ नहीं है। तो ये लगाने के बाद हम जो है मीटर के अंदर जो है स्विच को लगाएंगे। स्विच को अच्छी तरह से बिठा के ये चेक कर लें, स्विच साइड से पूरा बिल्कुल फिट होना चाहिए। उसके बाद हम इसके पेच को जो है अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी मीटर की जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, और वाइब्रेशन ना होगी तो फिर बाइक जो है पुरसकून जो है चलाने का मज़ा है। तो स्विच की फिटिंग हो चुकी है, मीटर हमारा ये देखें बिल्कुल जो है नया बन चुका है। अभी हम जो है इसके केबल लगा देते हैं यहाँ पे नीचे। केबल बिल्कुल हाथ से आपने आराम से लगानी है, ताकि इसकी चूड़ी जो है ये सीधी लगेगी तो नट जो है इसका पूरा चढ़ जाएगा, वरना ये जाम हो जाता है, क्योंकि ये सिल्वर में बना होती है, इसकी बॉडी सिल्वर में बनी होती है, नट जो है ये लोहे का है। मीटर बॉडी को अपनी जगह पे फिट करके और इसके 10 नंबर के नट और वाशर जो है हम लगा देंगे, मीटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मीटर की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मीटर हमारा यहाँ पे बिल्कुल न्यू बन गया है। इस तरीके से आप भी अपनी बाइक का मीटर जो है वो मुकम्मल तब्दील ना करें, मीटर बॉडी इसमें अच्छी सी डाल के तो मीटर को बिल्कुल न्यू बना सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।